आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख सकें। दोस्तों, काजू का इस्तेमाल मिठाई और सब्जी की ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए घरों में खूब किया जाता है। आपने अपने घरों में ये देखा भी होगा, काजू से बनी बर्फी यानी काजू कतली ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। स्वाद के साथ ही ये सूखा मेवा सेहत को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में कारगर होते हैं। अगर आप 5 से 7 काजू रोज खाते हैं तो ये आपकी सेहत को बहुत भरपूर फायदा पहुंचाएगा। चलिए विस्तार से फायदे देखते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है दोस्तों कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। काजू में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से बाल और त्वचा सुंदर हो जाती है। अगला है, त्वचा चमकदार बनती है। काजू खाने से त्वचा का ग्लो बढ़ने लगता है और रंगत निखर जाती है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए अक्सर घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं याददाश्त को तेज करने की। काजू विटामिन बी का खजाना है। भूखे पेट काजू खाकर शहद खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। काजू खाने से यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है और इसके सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बात करते हैं नसों और हड्डियों को मजबूत बनाने की। मैग्नीशियम से भरपूर काजू कैल्शियम को नर्व सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इससे नसों पर बहुत कम दबाव पड़ता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो कैल्शियम नसों तक पहुँचने लगता है, जिस कारण नसों में सिकुड़न होने के साथ ब्लड प्रेशर और माइग्रेन की समस्या होने लगती है। बात करते हैं शरीर को एनर्जेटिक बनाने की। काजू को ऊर्जा का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसे खाने से सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर आपका मूड बेमतलब खराब हो जाता है तो आप 2-3 काजू खाएं, आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। काजू कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है और ये जल्दी पच जाता है। काजू आयरन का अच्छा सोर्स है, इसलिए खून की कमी को दूर करने के लिए आप इसे खा सकते हैं। बात करते हैं पाचन शक्ति को मजबूत बनाने की। काजू में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के साथ आपका वजन भी संतुलित करते हैं। अगर आप 3 से 4 काजू खाएंगे तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा, कैसी भी पुरानी कब्ज है वो भी दूर हो जाएगी। अगला फायदा जानते हैं, दांतों को मजबूत बनाने का। काजू में दोस्तों फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है, जो दांतों को मजबूत रखती है, इसलिए बड़े और बूढ़ों को रोज काजू का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं डायबिटीज में फायदे की। रोजाना थोड़े से काजू का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में काजू खाने की। प्रेगनेंसी में 1 औंस से ज्यादा काजू का सेवन ना करें, इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में काजू खाने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा मिलता है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा हड्डियाँ मजबूत, मस्तिष्क का अच्छा विकास होने के साथ साथ माँ के दांतों के लिए भी ये बेस्ट है। इससे किसी भी तरह की कैविटी नहीं होती। अब किन लोगों को काजू नहीं खाने चाहिए? जो लोग मोटापे के शिकार हैं, उन्हें काजू से परहेज करना चाहिए। 30 ग्राम काजू में 163 कैलोरी और 13.1 फैट होता है, जिसका ज्यादा सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। बात करते हैं पेट की गड़बड़ी की। अगर आपको पेट की कोई समस्या है तो काजू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका पेट ज्यादा खराब हो सकता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। बात करते हैं सिरदर्द और माइग्रेन वाले लोगों की। सिरदर्द या माइग्रेन के रोगी काजू बिल्कुल ना खाएं, इसमें मौजूद एमिनो एसिड सिरदर्द पैदा कर सकते हैं। और बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के मरीजों की। जिन लोगों के पित्त में पथरी है, उन्हें काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद जो ऑक्सलेट्स तत्व होते हैं, वो पथरी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये था आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।